दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, जिसमें इतना फायदा किसी और बिजनेस में आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप चाहे जहां ढूंढ लीजिए, पूरे यूट्यूब में, पूरे गूगल में आप खंगाल लीजिए, लेकिन ऐसा बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि 100 रुपये किलो ये बनता है और इसकी बिक्री जो है वो 1600 रुपये से लेके 3000 रुपये किलो तक ये बिकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किलो में ये बड़े आराम से बन के तैयार हो जाता है। दूसरी चीज़ की खासियत ये है कि ये आप ऑनलाइन में खुद सर्च करिए, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, उसके बाद आप इसका काम स्टार्ट करिएगा। आप सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, आप 5 मिनट थोड़ा अच्छे से देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जब नेट में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे कि पुदीना पाउडर, तो पुदीना पाउडर में मोस्टली उसमें लिखेगा कि नॉट अवेलेबल, अभी करंट में अवेलेबल नहीं है, ऐसे करके उसमें दिखाता है। मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, आप इसमें भी देख सकते हैं, कई वेबसाइटों में मैंने चेक किया, इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है और इसको जब आप बिजनेस करेंगे तो चूँकि ये पहले से ही नहीं मिल रहा है और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो ये बनने के साथ ही बिक जाएगा। आप डेली को 100 किलो 200 किलो भी आप बेच सकते हैं और जितना जल्दी जल्दी ये बिजनेस स्टार्ट कर लें उतना ही जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि नेट में कई जगह मैंने सर्च किया, बहुत जगह तो मिल है ही नहीं है पुदीना पाउडर, और जहाँ भी है तो वहाँ लिखा है रीलिफ्ट, मतलब कि जल्दी लीजिए अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके माध्यम से कम 8 से 10 लाख रुपये महीना बड़े आराम से कमा सकते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है, फिर इसको बनाना कैसे है, इसको बेचना कैसे है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ पुदीना पत्ते के पाउडर का, इसे मिंट लीफ पाउडर भी कहते हैं, पुदीना के पत्ते के पाउडर। पुदीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और गर्मियों के लिए तो रामबाण ही इसे माना जाता है। पुदीने का पाउडर बहुत ही आसानी से घर में बनाया जा सकता है। और पुदीने के पाउडर बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको पुदीना की पत्तियों को अच्छे से धो लें और थोड़ी देर के लिए किसी जाली वाले बर्तन में रख कर इसे सुखा लें, मतलब कि जिससे कि पानी अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेके और पुदीना को कपड़े में फैला लें, फिर पुदीने की पत्तियों को अच्छे से सुखा लें और उसके बाद उसमें जो भी मोटे मोटे डंठल हों उसे ज़रूर हटा दें, जिससे कि ओरिजिनल पुदीना का पत्ता बचे, जिससे कि ओरिजिनल पाउडर बनाया जा सके और इसमें कोई भी इफ़ेक्ट ना आए। और जब पुदीना की पत्तियों से पानी निकल जाए तो उसको आप एक बढ़िया साफ़ कपड़े में इसे फैला लें और उसके बाद पत्तियों को धूप में ना सुखाएं, ये विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि धूप में अगर सुखाते हैं तो उसकी खुशबू चली जाती है, ये समस्या आती है। तो गर्मी में तो मौसम, गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम होता है कि पुदीना को सूखने में 1 दिन का ही समय लगता है। आप अंदर घर के अंदर अगर फैला देंगे तो 1 दिन में बड़े आराम से सूख जाएगा, लेकिन अगर ठंडी है तो 2 दिन में पत्तियां आसानी से सूख जाती हैं। और जब पुदीना पूरी तरह से सूख जाए, उसकी पत्तियां पूरी तरह से सूख जाएँ, तो आप इसको मिक्सी या ग्राइंडर में अच्छे से पीस लें और उसे चेक कर लें कि अच्छा चिकना पाउडर हो गया है कि नहीं। और उसके बाद पुदीना पाउडर के कई तरह से, इसके इस्तेमाल जो होते हैं वो कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मठा में पुदीना का इस्तेमाल होता है, रायता में होता है, कई तरह के दही के व्यंजन में भी होता है। इसके अलावा पुदीना के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अब मैं पुदीना के फ़ायदे आपको बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि आपको बेचना कैसे और फ़ायदा आपको कैसे होगा। तो पुदीना के फ़ायदे, तो सबसे पहले तो व्यंजन के रूप में भी उसे उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद पुदीना का पानी पीने से मुंह स्वस्थ रहता है और सांस में बदबू नहीं आती और दांत भी मजबूत रहते हैं। और इसको अगर लगातार आप पियेंगे तो आपके दांत अपने आप मजबूत होने लगेंगे, इससे दांत गिरते या कीड़ाते नहीं हैं, या कि कीड़ा नहीं लगते हैं। उसके बाद पुदीना पाउडर डाइजेशन के लिए खास तौर पर उसे जाना जाता है। अपच होने के बाद पुदीने की चाय पीना पीते हैं, बहुत लोग पीते हैं और पीना भी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पुदीने का पानी आदि से अपच में राहत भी मिल जाती है। पुदीने में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है और फाइबर भी पाया जाता है, जो कि वजन कम करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। पुदीने का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कि फैट आपका बर्न होता है और आपका वजन घट जाता है। जिसका वजन घट ज़्यादा है उसका घट जाता है, जिसका कम है उसका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा है
तो ये मोटा मेटाबॉलिज्म के कारण जो एक्स्ट्रा वेट है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने होना चालू हो जाएगा और आप एक फिट हो जाएंगे। और पुदीना का पानी पीने से शरीर जो होता है अपना साफ होता है, ब्लड भी साफ होता है और शरीर साफ होने में मदद मिलती है। रोज़ाना अगर आप डेली पुदीने के पानी अगर आप पियेंगे तो ये 100% श्योर है। आजकल मोटापा की बहुत बड़ी समस्या है तो इसमें मोटापा कम करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ फ़ायदा आपको। तो देखिए पुदीना के पाउडर बनाने में, 1 किलो पाउडर बनाने में आपका को ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये किलो आपका खर्चा आएगा और इसे आप कम से कम आप 16-17-1800 रुपया बड़े आराम से बेच सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए सारी कंपनियाँ 2000-2500-3000 में दे रही हैं तो अगर आप 1500 रुपये किलो भी बेचेंगे तो भी आपको 1400 रुपया पर किलो का बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप 10 किलो भी एक दिन में बेच देते हैं, जैसे इस समय पुदीना का पाउडर कहीं नहीं मिल रहा है और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा नहीं मिलता है, जब ठंडी में इसका स्टॉक कम है, लोग दे नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो गर्मियों में तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा सेल होती है। और अगर आपको 1 किलो में मात्र, अगर आपको 1 किलो में आप देखेंगे फ़ायदा तो आपको 1400 रुपया होता है। अगर आप 10 किलो बेच लेते हैं तो इसमें 14000 एक दिन का फ़ायदा होता है और बड़े आराम से आप 50-60 किलो बड़े आराम से बेच सकते हैं। अगर आप 20 किलो भी बेचते हैं तो 28000 रुपया का डेली आपका फ़ायदा मिलेगा। 28000 मतलब लगभग 8-8.5 लाख रुपया महीना। लेकिन ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ उन 10 वेबसाइटों में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। इसको इसका काम करने के लिए सिर्फ आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फसाई का लाइसेंस, FFSAI, जो कि आपको 1000 रुपये में 1 साल के लिए लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। बस आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि इसकी पैकिंग जो रखिएगा वो बहुत ही आकर्षक रखिएगा, जिससे कि कोई भी देखे तो तुरंत उसे ले ले, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है और पैकिंग का बहुत महत्व है। अगर आपकी पैकिंग शानदार रहेगी तो आपकी बिक्री भी, आपकी सेल भी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप वही ओरिजिनल पुदीना पाउडर देते हैं और अगर आपकी पैकिंग सही नहीं है तो उसी चीज़ की आपकी जो सेल होगी वो आधे से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए इसके पैकिंग का विशेष ख्याल रखें, अपना खुद का ब्रांड बनाएं। आपको डिब्बे मिल जाएंगे 100-100 ग्राम के, 100-100 ग्राम 200 ग्राम की पैकिंग करें और 100 ग्राम के डिब्बे जो आते हैं वो लगभग 5 रुपये में आपको प्लास्टिक के बॉक्स मिल जाएंगे, अच्छे डिब्बे मिल जाएंगे। 1 रुपये का आपका स्टीकर लगेगा, 6 रुपये इसमें खर्चा होगा। और इसके अलावा आपको घर बैठे बिजनेस करना है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑफलाइन बेचना चाहें दुकानों में तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप ऑनलाइन ही नहीं पूरा कर पाएंगे। इतनी इसकी मांग है कि इसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे आप ऑनलाइन, तो ऑफलाइन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ऑनलाइन में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन में आप जब डालेंगे अपना प्रोडक्ट तो जो भी कंपनी में आर्डर आएगा उस कंपनी का बंदा आपके घर आएगा और आपके घर से प्रोडक्ट ले जाएगा और आपको पेमेंट करेगा या कि आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है जिसको आप लगभग अगर डेली अच्छे से काम करेंगे तो आप कम से कम 20-30000-40000 भी डेली बचा सकते हैं, मतलब 8-10 लाख रुपये महीना इसमें बड़े आराम से इसमें बचत होगी। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको पैकिंग में ज़रूर विशेष ख्याल रखना है, पैकिंग आपको अच्छी देनी है। दूसरी चीज़, जो पुदीना पाउडर दीजिएगा वो ओरिजिनल ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए लोकल उसमें और कुछ मिक्स कर देते हैं तो एक बार तो आपका चल जाएगा, लेकिन धोखा बार बार नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो अच्छी चीज़ दीजिए, भले ही आप 2 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट रहे उसमें शुद्धता विशेष रूप से रहे। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और कोई अगर चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंदों तक शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं कोई भी आगे बिजनेस आइडिया की, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया की वीडियो डालूं तो जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।